Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the revision of subject maths standard fifth in that one marks questions for the chapter number fifth. Dear students, uh, now we are uh, going for the revision for the for those chapters which are we learn after the FA two exam. ओके दैट मीन्स जो हमारे एस वन के लिए न्यू चैप्टर से जो एफ टू तक आ गए हैं उसके अलावा जो चैप्टर बचे हैं उसका हम फर्स्ट वन रिवीजन करते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेप्स लुक द सेम आफ्टर हाफ टन ओके इसमें से uh, जो जो सेप दिए उसको हाफ टन करेंगे तो किसका लुक सेम दिखेगा तो फर्स्ट वन रेक्टेंगल है ओके okay? अगर इसको हाफ टर्न करेंगे तो वो सेम ही दिखेगा सेकंड वन स्क्वायर है उसको भी अगर हम हाफ टर्न करेंगे तो वो भी सेम ही दिखेगा नेक्स्ट थर्ड वन है सर्कल ओके okay? उसको अगर हाफ टर्न करेंगे तो वो भी सेम ही दिखेगा फोर्थ वन रेक्टेंगल स्टैंड फॉर्म में है ओके okay? विच इज़ ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर दाफ्टर्न फिफ्थ वन ट्राइंगल विच डज नॉट लुक द सेम ओके आफ्टर हाफ टर्न ट्राइंगल है तो उसका जो अभी राइट ना हो अपर पार्ट है वो नीचे की ओर आ जाएगा एंड बॉटम पार्ट है वो अपर पार्ट में आ जाएगा सो वो डिफरेंट दिखेगा सिक्स वन ओके यह सब भी सेम ही दिखेगा ओके देन आफ्टर नेक्स्ट सेवेंथ फाइव साइड है पेंटागोन तो ये सब भी डिफरेंट दिखेगा आफ्टर हाफ टर्न नेक्स्ट गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग डज द फैन लुक सेम ऑन बाय टर्न हमारा जो फैन है ओके वो फैन अगर उसको हम वन फोर्थ टर्न करेंगे तो वो सेम दिखेगा यस द फैन लुक सेम ऑन वन फोर्थ टर्न क्योंकि उसके जो हैंड्स है ओके okay? वो थ्री इक्वली डिस्टेंस में लुक सेम है उसको वन फोर्थ टर्न करेंगे तो

राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सिक्स सिक्स के फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखने हैं बहुत ही ईजी सो सिक्स वन जै सिक्स सिक्स टू जै ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी नेक्स्ट एनी थ्री मल्टीपल ऑफ नाइन नाइन के कोई भी थ्री मल्टीपल इर आई राइट नाइन एटीन एंड एटी वन यू कैन राइट एनी अदर ऑफ द मल्टीपल ऑफ नाइन थर्ड ऑन फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव तो विच इज़ वेरी एजी फाइव एन फिफ्टीन ट्वेंटी नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रीज ओकेट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड टाइप्टर दैट इज फर्स्ट वन फोर्टी फाइव सो फोर्टी फाइव के दो पार्ट हुए नाइन एंड फाइव नाइन फाइव फोर्टी फाइव डी ए पे जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है वो उसके आंसर का पार्ट है ओके डिफरेंट वे में भी आपको पूछा जा सकता है ओके फॉर एग्जाम्पल नाइन एंड दूसरा जो फाइव है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क हो तो वो आपको फाइन करना है कि नाइन फाइव जै फोर्टी फाइव होगा ऐसे भी हो सकता है एंड नाइन के दो पार्ट करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन ओके फाइव का आगे कोई पार्ट नहीं बनेगा नेक्स्ट सेकंड हंड्रेड तो हंड्रेड के दो परसेंट टेन मल्टीप्लाई टेन 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 हंड्रेड एंड बाकी जो दो टेन है वो सेपरेटली फाइव टू जी टेन हो जाएगा आगे फाइव एंड टू के और कोई फैक्टर्स हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे ओके okay? तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन से वो सॉल्व करने हैं नेक्स्ट थर्ड वन नाइन ज़ीरो नाइन्टी सो उसके दो फैक्टर दो पार्ट दिए फोर्टी फाइव एंड टू बिकॉज फोर्टी फाइव टू ज़ा नाइन्टी होगा ना फोर्टी फाइव का हमें आगे पार्ट करना है नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव अब फाइव का आगे कोई फैक्टर पार्ट नहीं बनेगा नाइन का होगा थ्री थ्री ज़ा नाइन अब थ्री के आगे कोई नहीं होगे तो इस तरह से डी स्टूडेंट्स जहां तक पॉसिबल है वहां तक हमें वो नंबर के आ, आगे के फैक्टर से वो फाइंड करने हैं ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेवन शॉर्ट क्वेश्चन डीएर स्टूडेंट्स फॉर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट द रूल्स ऑफ बोर्ड ओके बॉडमास दैट मीन्स बी बी दैट मीन्स ब्रैकेट्स ओ दैट मीन्स ऑर्डर डी दैट मीन्स डिवीजन एम दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन एट मीनस एडिशन एंड एस दैट मीनस तो हमें ये वे में ही फॉलो करना है सबसे पहले डिवीज़न ही करना है चाहे फर्स्ट में एडिशन या मल्टीप्लीकेशन क्यों ना हो ओके सो फर्स्ट वन टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई सिक्स तो सबसे पहले यहां पर दो साइन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो रूल को देखो

तो टेन मल्टीप्लाई इन एडिशन तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर एट थर्टी सिक्स डिवाइड सिक्स प्लस फाइव माइनस टू थर्टी सिक्स डिवाइड सिक्स प्लस फाइव माइनस टू सो इलेवन माइनस टू दैट इज नाइन